हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, हमने इससे पीछे कूलाम के नियम का वेक्टर रूप तथा उसके महत्व एवं सीमाएं जानी। कूलाम के नियम में कुछ चीज़ें ऐसी आईं जिनके बारे में जानना जरूरी है। कूलाम के नियम का फार्मूला जरा एक बार लिखें। एफ बराबर 1/4πε0Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां के बताया था हमने माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का क्या बताया? परावैद्युतांक। और एप्सिलॉन जीरो निर्वात की वैद्युतशीलता। बेटा, इस चीज को एप्सिलॉन जीरो के को हम एप्सिलॉन लिख सकते हैं। एप्सिलॉन क्या होगा? माध्यम की वैद्युतशीलता। पहले शुरुआत यहीं से करते हैं आज। परमिटिविटी ऑफ मीडियम माध्यम की वैद्युतशीलता। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, वैद्युतशीलता क्या है? क्वेश्चन जो उठा सबसे पहले, बेसिक रूप से किताबों में है, कोई भी परिभाषा नहीं मिलेगी। ऊपर वाले फार्मूले में अगर हम यह लिख दें तो इस तरह से यह फार्मूला तैयार हो गया। यानी एफ व्युत्क्रमान पाती 1/εप्सिलॉन, क्या परिभाषा बन गई? दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के व्युत्क्रम की राशि क्या कहलाई? हमारी वैद्युतशीलता कहलाई। वैसे विद्युतशीलता को एक सामान्य रूप से, सैद्धांतिक रूप से कह दें, दो विद्युत बल रेखाओं के बीच की सघनता और विरलता को व्यक्त करने वाली भौतिक राशि क्या कहलाती है? वैद्युतशीलता कहलाती है। बल रेखाओं के बीच की सघनता और विरलता को व्यक्त करने वाली भौतिक राशि वैद्युतशीलता कहलाती है। यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो माध्यम की वैद्युतशीलता। माध्यम की वैद्युतशीलता विद्युत बल के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये वह गुण है जो बल के क्या है? व्युत्क्रम। बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमें पता चलेगा विद्युत शक्ति कितनी क्षीण, कितना बल ज्यादा लगाएगी या कम लगाएगी, इसके बारे में हमें पता चले। अब एक चीज बची परावैद्युतांक। परावैद्युतांक जानने से पहले हम पहले जानेंगे परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। परावैद्युत पदार्थ क्या है? एक प्रकार की अचालक पदार्थ है, इंसुलेटेड बोलते हैं जिसे। अचालक जानते हो ना, लकड़ी, कागज, गत्ता, अवरक आदि, इंसुलेटेड जो जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो। जैसे जैसे हम परावैद्युत, जिनमें चालकता बढ़ती जाएगी उनका परावैद्युत पदार्थ भी घटते जाएंगे। हर चीज की अचालकता एक सी नहीं होती है। किसी में थोड़ी सी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किसी में बिल्कुल भी नहीं होती है, किसी में मीडियम स्तर पर रहती है और किसी में बहुत अच्छी होती है। तो उसी आधार पर, विद्युत धारा के गुण के आधार पर हमने परावैद्युत पदार्थ बनाए। एक तरह से ये अचालक पदार्थ है जिनमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अचालक मीन्स जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं हो, लेकिन इनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है, कुछ प्रवाहित भी होती है। तो हम क्या कह रहे हैं? परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, सॉरी, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है, उन पदार्थों को कौन से पदार्थ कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ जिनमें विद्युत अचालक है, एक तरह से कहने को कागज, गत्ता, कांच, पानी, अब पानी बढ़ रहा है ना, पानी में प्रवाहित होती है कुछ, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, ठीक है ना। कांच, अभ्रक, ठीक है, कागज, कांच, पानी, अभ्रक, गत्ता, प्लास्टिक इत्यादि सब चीजें जिससे अब परावैद्युत पदार्थ में आएंगे। अब हम जानना चाहेंगे परावैद्युतांक। परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, क्या बोलेंगे इंग्लिश में से? डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इंग्लिश शब्द जरूर जानते जाओ,
भलाई नहीं लिखो लेकिन उसको जानो। परावैद्युतांग मीन्स डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जेदा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस मीन्स परावैद्युत पदार्थ, और जे क्या है परावैद्युतांग। इसको जब संधि विच्छेद जैसे क्वथनांग जानते, क्वथन मीन्स उबलना, जिस अंग पर उबलने की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं क्वथनांग। ऐसी परावैद्युतांग परावैद्युत पदार्थ को मापने वाला अंक होगा जी, कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी और कितनी नहीं। समझे बात हमारी, वह अंक जो किसी पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करे व्यक्त करे, उसकी चालकता को व्यक्त करे परावैद्युतांग कहेंगे। परावैद्युत प्लस अंक, तो वह अंक मीन संख्या, ये एक संख्या है तो संख्या क्या व्यक्त कर रही, परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य को व्यक्त करेगी। तो यानी परावैद्युत पदार्थ में विद्युत धारा को जो व्यक्त कर रही होगी उसको हम क्या करेंगे पर। अब हम जनरल परिभाषा बात करें तो अभी हमने यहाँ जाना एप्सिलॉन जीरो के बराबर एप्सिलॉन, वो तो हमने तुम्हें बताया व्यवहारिक रूप में कि परावैद्युतांग सबने क्या चीज है। परावैद्युतांग क्वथन क्रिया उबलने की, क्वथनांग जिस अंक पर वह क्रिया हो रही उसे क्वथनांग, गलन गलने की क्रिया गलनांग, जिस अंक पर वह क्रिया हो रही उसे गलनांग, परावैद्युत पदार्थ परावैद्युतांग जिस अंक पर वह परावैद्युत पदार्थ मापा जाए उस अंक को परावैद्युतांग कहते हैं। के से रिप्रेजेंट करेंगे या इसी को हम एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं इसे अपन, कौन सी वैद्युतशीलता या निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता भी कहीं कहीं लिखी होती है, इसलिए यहां जानना चाहिए के और एप्सिलॉन आर एक ही चीज है। हम के भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन, तो के बराबर क्या हो गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। परिभाषा क्या बन गई, क्या बनी, माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांग कहते हैं। माध्यम की वैद्युतशीलता तथा जीरो लगा, जीरो माने निर्वात, नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं परावैद्युतांग कहते हैं। के अनुपात को परावैद्युतांग कहते हैं, बात समझे। परावैद्युतांग अंक है ये, संख्या अनुपात, अनुपात है तो कोई मात्रक तो होगा नहीं, मात्रक वाली बात क्या है समझ गए, मात्रक ही होगी, मात्रक ही, मात्रक नहीं होगा अनुपात है। ऊपर ही वैद्युतशीलता से नीचे ही, या वैद्युतशीलता या एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या है, एप्सिलॉन का मात्रक क्या आया बल का मात्रक, हम अलग से निकाल के इसके बाद दिखाएंगे मात्रक ही, इसका भी वैद्युतशीलता जो भी कट जाएगा मात्रक, कोई मात्रक नहीं होगा, मात्रक नहीं होगी तो बीमा बीमाहीन होगी, डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं होगा इसका। अब बात आता है परावैद्युतांग, जैसे हम बात करें परावैद्युतांग सबसे कम निर्वात के लिए बात करें, निर्वात परावैद्युत पदार्थ के मान निर्वात के लिए, निर्वात के लिए के बराबर क्या होता है वन, सबसे कम होता है न्यूनतम मिनिमम है, इससे कम के का मान नहीं होता। कोई कहे 0.2 आंसर नहीं, हो ही नहीं सकता, कम से कम एक होगा वो भी निर्वात का है। कोई कहे 0.5 परावैद्युतांग आंसर गलत, हो ही नहीं सकता, क्यों न्यूनतम है जी। फिर परावैद्युत पदार्थ के लिए अगर परावैद्युत पदार्थ है तो उसके लिए क्या होगा के का मान एक से ज्यादा होगा, दो हो सकता, तीन हो सकता, चार हो सकता, पांच हो सकता। जैसे हम कुछ उदाहरण बताएं, कागज के लिए 2.6, 2.4, 2.8, 3 भी हो सकता, पानी के लिए 81। जैसे जैसे चालकता बढ़ती जाएगी के का मान भी बढ़ता जाएगा, जिसके के का मान जितना ज्यादा होगा उसमें उतनी ज्यादा विद्युत धारा क्या होगी प्रवाहित होगी। तो धातु में तो बहुत ज्यादा प्रवाहित होती बेटा, धातु के लिए, धातु के लिए के का मान क्या होगा इन्फिनिटी, अधिकतम सबसे ज्यादा चालकता किसकी है धातुओं की,
मेटल की उससे कम पराविद्युत पदार्थ की सबसे कम निर्वात, इसलिए निर्वात में करंट नहीं लगता। y के लिए 1.0002 तो लगभग एक हो जाता है निर्वात, या क्या कहते हैं वायु, वायु वर्ड भी प्रयोग कर सकते हैं, इनके लिए k का मान न्यूनतम हो जाता है, ठीक है ना। अब चलते हैं इसके आगे, एक चीज छूट गई है एप्सिलॉन जीरो का मात्रा, एप्सिलॉन जीरो की विमा, इस चीज को ये और यहाँ क्लियर कर ले फिर चलते हैं, ठीक है ना। एप्सिलॉन जीरो देखे ना, इसी के आगे देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। एक छोटी सी चीज छूट गई थी जो हम कह रहे तुमसे, एप्सिलॉन जीरो का मात्रा हेडिंग आती है वैद्युतशीलता का मात्रा, गौर करो वैद्युतशीलता का मात्रा कैसे निकलेगा, गौर करें इस फॉर्मूले से निकलेगा वैद्युतशीलता का मात्रा, निकालो एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या आएगा 1/4 पाई एफ के Q1 Q2 upon F r² आगे ना, जे F यहाँ पहुंच गया, जे यहाँ पहुंच गया, इसका मात्रक होता है संख्या है, तो जब कोई नहीं तो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, बेटा आवेश का मात्रक कूलाम का स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो गया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो गया कूलाम का स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर। जब मात्रक निकाल लिया तो बल की विमा की बात आती है, तो इसकी विमा भी हम निकाल लें, आवेश की विमा एटी, विमीय सूत्र एटी, आगे चलो किसका विमीय सूत्र एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र, थोड़ा स्पष्ट लिख लें इस चीज को, ठीक है ना। आ गया कूलाम का स्क्वायर एटी का स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन बल के लिए ML^-2, बेटा इसके लिए आप फर्स्ट ईयर का विमीय विश्लेषण वाला चैप्टर पढ़ें, ठीक है, मिल जाएगा उसमें, देखें बिल्कुल स्पष्ट बताया, मीटर के लिए L² सॉल्व करेंगे m ऊपर जाएगा M^-1, L एक जे है दो जे है तो कितनी हो गई 3, L^-3, टी दो जे लिखी है और दो जे पहुंच गई तो T^4, और इसका करोगे तो A^2, तो इसका क्या आ गया विमीय फार्मूला आ गया, डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं जिसे अपन इंग्लिश में विमीय सूत्र कहेंगे। वैद्युतशीलता की बात आ गई तो इसका मान हमने पिछली बार में ही लिखा था एप्सिलॉन 8.86 10^-12 मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। आ गई बात, दोनों चीजें स्पष्ट हैं, के एप्सिलॉन जीरो माध्यम का परावैद्युतांक परावैद्युत पदार्थ, इन सब चीजों को बिल्कुल स्पष्ट समझें। अब नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद होगा वैद्युत क्षेत्र, अगले वीडियो में आप लेंगे देखेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या है, कैसे व्यक्त किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, इन सब के बारे में जानेंगे। थैंक यू। ओके।